मैं तमिल स्कॉलर डीसी जैन, आज आपको जो है एनडीए का पार्ट थर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका क्या यूज है और इसका वेटेज क्या है। तो पहले तो अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ फिर बच्चों आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले आज थ्योरी पढ़िए, मात्र आपको 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट में आपका सिलेक्शन कराऊंगा। रोज मैं कहता हूं कि आपको आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और नोट करने के बाद इनको सॉल्व करें, और इनसे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप करिए, नहीं तो मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में डालिए, सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो मैं आपको और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप डेफिनेट सिलेक्शन होंगे। तो बच्चों आपका जो भी एनडीए का पेपर है, जब भी है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आज आपका क्या है, 11th के अंदर तो ही है एनडीए 10, 100% आपका सिलेक्शन होगा। पार्ट थर्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, थ्योरी का फर्स्ट पार्ट ही है, थ्योरी के सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, तीन पार्ट आपको इसके अंदर डालूंगा मैं, फिर इसके मॉक टेस्ट पेपर होगा, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा करिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा इसके अंदर। तो देखिए आपके पहला नंबर क्या है, इमेजरी नंबर। व्हाट इज इमेजरी नंबर, इमेजरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, है? तो देखिए, ए नंबर हूज स्क्वायर इज नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड, अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो, किसी नंबर का वर्ग करते हो, अगर उसका ऋणात्मक मान आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो वो कहलाता है इमेजरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे √-2 है, √-2 का स्क्वायर करते हो तो आपको -2 आएगा, इसका वर्ग करते हो तो -3 आएगा। तो जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या आती है, नेगेटिव संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, ऐसे नंबर्स को अपन काल्पनिक संख्या इमेजरी नंबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है वी डिनोटेड, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, आयोटा, √-1, √-1 है, इसको आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा हिंदी में भी आयोटा बोलते हैं, इंग्लिश में भी आयोटा, वे है आयोटा बराबर √-1, स्क्वायर करोगे तो आयटा स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा क्यूब की माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 बराबर 1, इस तरह से आयटा की पावर 5 बराबर आयटा, आयटा की पावर 6 बराबर -1, वर्ग करते चलो और आयटा स्क्वायर इनके पीछे से आगे से आगे वैल्यू मान रखते जाइए, वैल्यू रखते जाइए। तो आपने क्या देखा कि इसकी चार डिफरेंट वैल्यू आ रही है, क्या 1-1 आयोटा और -आयोटा, तो आयोटा की पावर 5 दे रहा आयोटा, 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब आयोटा की पावर n में, या 4n ले लो, 4 का मल्टीपल ले लो, तो इसमें n का मान अगर आप 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, 5 रखते हो, तो 1 पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो बनाएगा 1 रिमाइंडर रहता है, 1 शेष रहता है, तो बनाएगा आयोटा आएगा, 2 रहता है तो -1 आएगा, और 3 रहता है तो -1 आएगा। क्या मतलब, आयटा की पावर जितनी भी संख्या है उसमें आप 4 का डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होता है तो इसका मान 1 होता है, 1 रिमाइंडर रहता है तो उसका आयटा होता है, 2 रहता है तो -1 होता है, और 3 रहता है तो -1 होता है। इस तरह से 4 डिफरेंट वैल्यू होती है, जो अपने ऑप्शन के अंदर सवाल आते हैं, क्या आयटा की पावर 25 है, 25 में 4 का डिवाइड किया, 1 रह गया तो आयटा आपके पास आएगा। तो इस तरह से आज आपकी कॉपी में नोट करिए, ये शॉर्टकट मेथड है जो आपको लाइफ में आगे की ओर बढ़ाएगा। नेक्स्ट, आयटा की पावर 0 हमेशा 1 होती है। कई बच्चे पूछते हैं सर इमेजरी नंबर की संख्या है तो उसकी पावर 0 करने पर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। 5 की पावर 0 करने पर 1 आएगा, 100 की पावर 0 करने पर 1 आएगा, इस तरह से इसका मान हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट नोट, अंडर रूट ए को अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जानते हो रूट ए भी आता है, कब आता है, जब ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव है, तो आपको पता है √-2 को मैंने क्या बताया था, √-2 बराबर √2 × √-1, तो इसको लिखा जाएगा √2 आयोटा, तो ये बन गया √6 आयोटा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो अपन बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं, √6 लिख के छोड़ देते हैं, जबकि आपको पता है −√2 का मतलब होता है √2 आयटा, तो √2 आयटा √3 आयटा का मतलब है माइनस आपके पास है √6, ये बात आपके पास इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए आप द नंबर ऑफ द ए प्लस आई का बी, अगर कोई भी नंबर
ए प्लस आई का बी के रूप में है तो फिर उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या? अगर नंबर ए प्लस आईटा बी या एक्स प्लस आईटा वाई के रूप में होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। और जेड से अपन इसको मोस्टली डिनोट करते हैं। जेड बराबर क्या हो गया, ए प्लस आईटा बी और इसका ये हो गया ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर कर्मी क्यूब ऑर्डर पेयर, जो ऐसा लिखा जाता है। अब इफ जेड बराबर ए प्लस आईटा बी है, इसमें रियल जेड, रियल जेड कंप्यूटर का वास्तविक भाग क्या है और इसका काल्पनिक भाग क्या है, तो रियल जेड को अपन कहते हैं वास्तविक भाग और इमेज जेड को कहते हैं काल्पनिक भाग। कहां बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके आईटा लगा देते हैं जबकि इसके अंदर आईटा नहीं लगेगा। तो जेड बराबर माइनस थ्री प्लस फोर आईटा है, बताओ इसका रियल पार्ट क्या है, रियल जेड होता है माइनस थ्री, इमेजरी जेड होता है चार, काल्पनिक भाग चार। जैसे जेड बराबर माइनस सात है, अगर कोई पूछे बताओ रियल जेड क्या होगा, माइनस सात होगा, इमेजरी जेड जीरो होगा, नहीं है कोई बात नहीं, आप उसकी जगह जीरो लिखोगे, तो काल्पनिक भाग जीरो हुआ, वास्तविक भाग माइनस सात होगा। तो इस तरह से अपन इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है, और सम्मिश्र संख्या में आयता कहां से बनता है, आयता ए से बनता है, और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इमेजरी नंबर किसे कहते हैं, ये तीन बातें अपने आज सीखी। अब देखिए आप नेक्स्ट, इसकी थ्योरम क्या क्या है, प्रमेय क्या क्या है। पहली थ्योरम है दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होगी यदि उनका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट इक्वल हो, वास्तविक भाग व काल्पनिक भाग बराबर हो। अगर ऐसा है तो उसको ये क्या होगी, दोनों सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर होगी, और बराबर है तो देखो क्या पूछा है, यदि एक्स प्लस आईटा वाई बराबर ए प्लस आईटा बी है तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग बराबर होगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन, x माइनस थ्री प्लस वाई माइनस टू आईटा बराबर चार प्लस पांच आईटा है, तो x और y की वैल्यू ज्ञात करो, तो x माइनस थ्री बराबर वास्तविक भाग फोर, तो x बराबर सात आ गया, y माइनस टू बराबर पांच, तो y बराबर सात आ गया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रियल और इमेजरी पार्ट को आप अलग अलग कर लीजिए, बराबर करिए और फिर उससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट एक और है थ्योरम नंबर सेकंड, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, कोई भी सम्मिश्र संख्या जीरो तभी होगी जब उसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग जीरो होगा, है वास्तविक और इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट जीरो होगा। यदि ये क्या नाम, एग्जांपल x प्लस टू प्लस वाई माइनस वन आईटा बराबर जीरो है तो बताओ x और y का मान क्या होगा। आपको मैंने क्या कहा कि आपके पास इसको अपन जीरो प्लस जीरो आईटा लिख लेंगे और इसकी कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो x बराबर माइनस टू और y बराबर तीन आपके पास। नेक्स्ट, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे कहती है, बात आपके पास आ गई, इसकी थ्योरम दो प्रमेय पर देखी, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं आपस में तभी बराबर होती है जब उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग बराबर होता है। कोई भी सम्मिश्र संख्या जीरो के बराबर तभी होती है जब उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग, इट मींस रियल और इमेजिन पार्ट जीरो होता है। अब देखिए इनके ऑपरेशन, जब अपन छोटे थे तो अपन सेकंड थर्ड क्लास में आपको ऑपरेशन सिखाते थे, ऑपरेशन करने का मतलब ये होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो चीना फाटी करते हैं और अपना ऑपरेशन है नंबरों के ऊपर, नंबर कोई से भी हो, फंक्शन के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, इनके ऊपर अपन ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ना घटाना एड करना सेपरेट करना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, ये सब ऑपरेशन कहलाते हैं। तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ले जेड वन बराबर ए प्लस आईटा बी, जेड टू बराबर क्या है सी प्लस आईटा डी, तो अब इन दोनों को एड किया, दोनों को जोड़ा जेड वन प्लस जेड टू, तो आपको पता है रियल रियल पार्ट में जुड़ेगा, इमेजरी इमेजरी पार्ट के अंदर एड करेंगे। दूसरा घटा रहे हैं जेड वन माइनस जेड टू बराबर ए माइनस सी प्लस आईटा बी माइनस डी, क्या वास्तविक वास्तविक भाग में घटेगा काल्पनिक काल्पनिक भाग में घटेगा, ऐसा नहीं है ए माइनस आईटा डी लिख देंगे पर ऐसा नहीं होता है।
तो आपको ऐड करना, सेपरेट करना, मल्टीप्लाई करना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को सी से किया, ए को आईटा डी से किया, आईटा को बी सी से किया, आईटा स्क्वायर बी डी किया, आईटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास देखो ये माइनस वन, तो अपने यहाँ पर माइनस वन रख दिया, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आईटा ए डी प्लस बी सी, तो रियल पार्ट वास्तविक भाग ए सी माइनस बी डी और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये बन गया। और लास्ट का चौथा एक और है, डिवाइड करना जेड वन और जेड टू, भाग कैसे देते ए प्लस आईटा बी में सी प्लस आईटा डी का डिवाइड किया, डिवाइड कैसे करते रेशलाइज करके, अपोजिट जब भी आईटा का टर्म्स नीचे आता है हमेशा रेशलाइज करके आपको इसको सोल्व करना चाहिए, तो इस तरह से आप इसको गुणा करके सोल्व करेंगे। कभी भी आपको लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करना होता है अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करके अपन इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों आज अपनी कॉपी में नोट करिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बशर्ते कि आप इनको पढ़िएगा। आप नहीं पढ़ रहे मैं आपको पढ़ाई के मानूंगा, ये मेरी वादा है, ध्यान रखना। आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप डालिए, आपको मोबाइल नंबर पता नहीं है तो 9414361832 इस मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, सर मुझे ये बात नहीं आ रही है, 100% आपको उसका सॉल्यूशन कराऊंगा और एनडीए में आपका सिलेक्शन कराऊंगा। अगर आपने सेना में जाना है यही क्वेश्चन आपके 11th में आएंगे, यही टॉपिक आपके जी मेंस में है, यही टॉपिक आपके ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन है उसके अंदर आपके पास यूज होगा। आप इनको लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको करें ताकि आपकी लाइफ अच्छी बने।